नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल समग्र एकेडमी में। और ये हमारी सुपर सीरीज चल रही है टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके यूपी टेट में आने वक्त की संभावना रखते हैं, तो उन्हीं पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट वही है जो सारे मॉडल पेपर में चल रहा है, मतलब 30 में से 30 हर सेक्शन में पाने का, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ पाएँ और आप यूपी टेट क्वालिफाई कर पाओ। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। चलो, हिंदी का पहला क्वेश्चन है घुमक्कड़। क्या है? नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयोग प्रत्यय। क्या बताना है हम लोगों को? प्रत्यय बताना है। ठीक है, क्या बताना है? प्रत्यय। तो घुमक्कड़ में प्रत्यय क्या होता है? पीछे लगने वाला, और उपसर्ग होता है आगे लगने वाला। तो घुमक्कड़ में कौन सा है? आड़ा, अक्कड़, आक या ऊ। तो 31 का अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा अक्कड़। घूमना प्लस अक्कड़, घुम प्लस अक्कड़। डिबिया में तो देखो इया, आ, आई या ई। तो 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना ईया, डिबिया। ठीक है, भिक्षुक आ, ऊ, उक या अक। तो 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उक। ठीक है, अगले पे चलते हैं। दिग्भ्रम उदाहरण है। दिग्भ्रम किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का, अयादि स्वर संधि का, व्यंजन संधि का या यण स्वर संधि का। तो जब हम स्वर मतलब संधियां पढ़ेंगे तो उसमें दिग्भ्रम एक संधि आएगी, तो ये बताना है, मतलब सारी संधियां रहेंगी तो बताना है कि दिग्भ्रम में किस प्रकार की संधि आई हुई है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यंजन संधि। कौन सा? व्यंजन संधि। बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? देखो, बिल्ली छत से कूद पड़ी, अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक। तो हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, जब भी कोई चीज किसी चीज से अलग होती है तो क्या आता है? अपादान कारक। छत है थी, अपनी छत थी, यहां से बिल्ली कूद गई तो छत से अलग हो गई ना, तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक। दिगु समास, दिगु हमने बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है, माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह या पीतंबर। तो दिगु सभी बच्चे बच्चे को पता है, जब भी संख्यावाचक कोई पद आता है तो हमेशा दिगु होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवग्रह, मतलब नवग्रह। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, गुरुमुखी, अपनी पंजाबी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? यहाँ पे नहीं है, मत नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है पर्यायवाची है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नीरज, नीरज, अंबुज या अंबु। तो नीरज। ठीक है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द, जो इंद्रियां जीत जाता है उसके लिए एक शब्द बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जितेंद्र, मतलब जितेंद्रिय। नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए, जो युद्ध में स्थिर रहे, मतलब लड़ता रहे। तो यशस्वी, युधिष्ठर, सत्यकाई या अश्वरूप। तो 40 का अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युधिष्ठिर। सैव कहते हैं जो शक्ति की उपासना करते हैं, जो शिव की उपासना करते हैं, जो विष्णु की उपासना करता है, जो किसी की उपासना नहीं करता। तो सैव की, सैव कहते हैं शिव जी को उपासना करने वाले। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। आकाश पाताल के बीच में लगने वाला चिल्ह अल्पविराम है, विस्मयादि बोधक है, योजक चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा योजक चिन्ह, बीच में जो लगा हुआ है। आहा, और इस चिन्ह का मतलब होता है और, आकाश और पाताल। आहा, आप आ गए, वाक्य में आहा है, संज्ञा, अव्यय, सर्वनाम या विशेषण। तो सभी को पता हुआ है ये है अव्यय। क्या है ये अपना? अव्यय। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी, इलायची, पानी, प्यास। वाक्य प्रयोग करके देख लो, नदी बहती है, बहती मतलब स्त्रीलिंग, पानी बहता है, प्यास लगी है, इलायची स्वादिष्ट है, तो प्यास पानी बह रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पुल्लिंग का ऑप्शन नंबर बी, पानी। पवन का संधि विच्छेद करना है, पौध पा धन अवन, पाद प्लस बन, पौ धन अन और पौ प्लस अन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौ अन, क्योंकि ओ प्लस आ बनता है वा। बाचाल किसे कहते हैं? जो जल्दी चलता हो, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता हो, जो चुप रहता हो। तो बाचाल मतलब बहुत अधिक बोलने वाला, जो बहुत बोलता है। श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो धीरे धीरे चलना, चलना तो होता है क्रिया, और धीरे धीरे चलना मतलब उसकी विशेषता बता रहा है। तो इससे धीरे धीरे को कहा जाता है संयुक्त रूप में क्रिया विशेषण। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई क्या है? सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया या विशेषण। तो नई या पुरानी कोई भी चीज़ क्या विशेषता बताए तो क्या कहलाता है? विशेषण। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन किए। तत्सम मतलब संस्कृत का, और तद्भव मतलब संस्कृत का रूपांतरण हिंदी में। तो आम्र, शहीद, दूध और खिड़की। तो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको दिखेगा आम्र से क्या बनता है? आम। दूध, दुग्ध
शहद शहद खिड़की। मनोरथ का सही संधि विच्छेद बताइए, तो इनके आमन का अपना हो जाएगा मनह। कभी भी हमने बताया हुआ था बहुत अच्छे से, कभी बिंदी आती है तो उसकी मात्रा बन जाती है ओ की, तो मनोरथ में ठीक है। विद्यार्थी उदाहरण है, विद्यार्थी में किस मतलब कौन सी संधि का उपयोग हुआ है, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, व्यंजन संधि या दीर्घ स्वर संधि, तो इसका अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दीर्घ स्वर संधि। प्रश्न 53 से 55 तक वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है, अनुसंगिक अनुसंगिक। देखो पढ़ने में तो सब एक जैसे लगेंगे, लेकिन अगर आप लिखावट के आधार पर देखोगे या वर्तनी के आधार पर जिसे बोला जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, 53 का हो जाएगा अनुसंगिक। अंताक्षरी अंत्याक्षरी अंतक्षरी और अंताक्षरी, तो देखो अंत्यक्षरी ये तो होता नहीं है, अंताक्षरी ये भी नहीं होता है। अब ऑप्शन नंबर ए बचा है और ऑप्शन नंबर डी बचा है, तो इसका अपना आंसर हो जाएगा अंताक्षरी। सुषमा 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 सारे एक जैसे हैं, लेकिन वर्तनी के आधार पर अगर बात की जाती है तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए वाला सुषमा। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तद्भव मतलब हिंदी का रूप बनता है, अग्नि से आग होता है ये तो कट गया, मोह अमीर और बैंक इन तीनों में से चयन करना है, तो मोह अमीर का हो जाएगा धनी, बैंक का हो जाएगा जो भी होता हो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो रवि सूर्य का है, दिनकर भी है, अंशुमाली और यामिनी बचा है, तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यामिनी, जो कि इन तीनों से भिन्न है। प्रश्न 58 से 60 कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से प्रयुक्त उपसर्ग को चुनकर लिखना है, अपमान में मतलब प्रयोग होने वाला उपसर्ग बताइए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपमान, अब तो होगा नहीं, उप उप है नहीं, अति है नहीं, अप ठीक है। दुर्वस्था दुष दुर अब या दु, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुर। पराजय परी प्रा परा और आ, क्या लिखा है उपसर्ग आगे वाला, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी परा। तो ये हुए अपने बेसिक अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और ये नीचे आपकी उत्तरमाला दी गई है, आप लोग लगाना इसे मैच कर लेना अपने ठीक है। और जो कोई नया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, लाइक करें शेयर करें सभी दोस्तों को बताएं। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ते रहिए।